जय हिंद दोस्तों, क्या इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी का टक्कर कर सकता है? अगर कभी पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी के ऊपर अटैक कर दे तो क्या इंडियन नेवी उसे हैंडल करने के लिए कैपेबल है? आइए आज इन दोनों देशों के नेवी को कंपेयर करते हैं, इनके पास क्या एसेट्स है, सोल्जर्स के मामले में कौन ज्यादा आगे है, सारी चीजों का इस वीडियो में कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही सर्वप्रथम नेवी का आविष्कार किया था, उन्हीं के आधार में आज का इंडियन नेवी है। और आज की डेट में इंडियन नेवी का जो मैन पावर है उनमें एक्टिव सोल्जर्स है 66,000 के आसपास में और रिजर्व सोल्जर है 75,000 के आसपास में। वहीं पर पाकिस्तान नेवी का टोटल मैन पावर, टोटल सोल्जर्स का नंबर है 54,000। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको इन दोनों देशों के नेवी के बारे में पता चलने वाला है कि कौन कहां पर टिकता है। इंडिया में 150 से भी ज्यादा शिप्स और सबमरीन्स है, यहां पर पाकिस्तान में भी 150 शिप्स और लगभग 85 एयरक्राफ्ट फ्लीट है। इंडियन नेवी के पास 16 सबमरीन्स है जिनमें 16 ही अटैक सबमरीन्स है और इनमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है। वहीं पर पाकिस्तान नेवी के पास में 8 सबमरीन्स है जिनमें 2 अटैक करने वाले हैं और पाकिस्तान के पास में किसी भी तरह का न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। इंडिया के पास में 14 नेवी फ्राइग्रेट्स है जो कि एक फाइटर जहाज होता है इंडियन नेवी का। पाकिस्तान के पास में फ्राइग्रेट्स हैं लेकिन वो सिर्फ 10 है। भारत में 23 कॉर्बेट्स है यानी कि बंदूक और हथियारों से लैस छोटे जहाज है। वहीं पर पाकिस्तान के पास में 6 कॉर्बेट है। वीडियो में सिर्फ आप नंबर को नोट कीजिए कि किन के पास में क्या हथियार और क्या इक्विपमेंट्स है। भारत के पास में 12 डिस्ट्रॉयर्स है यानी कि मिसाइल और हथियारों से लोडेड छोटे जहाज हैं। वहीं पर पाकिस्तान नेवी के पास में मात्र 2 डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जहां पर भी जाता है वो उस चीज को, उस जगह को तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे ही आगे बढ़ते हुए भारत के पास में लगभग 140 पेट्रोल क्राफ्ट है, वहीं पर पाकिस्तान के पास में 48 पेट्रोल क्राफ्ट है। भारत के पास में 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। पाकिस्तान के पास में किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास में 36 नेवी एयर कॉम्बैट फाइटर जेट है, पाकिस्तान के पास में 1 भी एयर कॉम्बैट फाइटर जेट नहीं है। भारत के पास में 49 पेट्रोल जेट है, वहीं पर पाकिस्तान के पास में 11 पेट्रोल जेट है। भारतीय नौसेना के पास 8 लैंडिंग शिप्स है, 1 एम्फीबियस एंड ट्रांसपोर्ट क्लॉक है। वहीं पर पाकिस्तान के पास में 54 हाई स्पीड बोट्स है और 2 रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स है। ये तो हो गए दोनों देश के नेवी के आज की डेट में इक्विपमेंट्स और मैन पावर की बात। सिप्री के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर है। भारत बड़े ही तेजी से अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एडवांस और अपडेटेड बना रही है, इसीलिए 2022 और 2023 में भारत के डिफेंस बजट 5,25,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें से सिर्फ नेवी के लिए 35,452 करोड़ रुपए को रिजर्व रखा गया है। वहीं पर पाकिस्तान का पूरा डिफेंस बजट 1,37,000 करोड़ की है। अब मैं आपको शुरुआत में पूछे गए आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर पाकिस्तान नेवी इंडियन नेवी के ऊपर अटैक कर दे तो क्या इंडियन नेवी उसे हैंडल कर सकती है? तो इसके लिए आपको फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पास्ट में आइए और 1971 का उस दिन को याद कीजिए जिस दिन इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची में घुस के हमला किया था। वहां पर उन्होंने कराची के बंदर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो आप भारत को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप जान सकते हैं 1971 में उस ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में जिस मिशन ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, और उस दिन के बाद से दोबारा कभी पाकिस्तानी नेवी इंडियन नेवी के ऊपर देखने से भी डरता है। अगर आप भारतीय हैं तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस का एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है, तो इसीलिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।